सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आज 15th अगस्त है। हैप्पीएस्ट इंडिपेंडेंस डे टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट वॉचिंग मी राइट नाउ। आज का जो दिन है काफी ज्यादा स्पेशल डे है हम सभी इंडियंस के लिए, हम सभी लोगों के लिए। एंड आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए, हर एक क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देखो, ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आपको जो अपना इंडियन फ्लैग है वो पूरी तरह से स्पैम कर देना है। एंड अगर मुझे 200 प्लस कमेंट्स दिख जाते हैं, अगर आप सभी लोग 200 कमेंट्स कर देते हो तो आपके लिए एक काफी स्पेशल चीज बोल जाने वाली है। सो यस गाइस, एंजॉय द वीडियो। सो हाय एवरीवन, दिस इज सॉन्ग भैया। एंड गाइस, आज का ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जो इस साल महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स 2025 देने वाले हैं। बिकॉज गाइस, आप सभी लोगों के लिए एक काफी बड़ी अपडेट आई है, क्योंकि मेरे हिसाब से आप सभी लोगों ने अब तक देख लिया होगा, दैट इज आपके जो महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स, जो ऑफिशियल महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स जो कि मार्च के अंत में होते हैं, वो इस साल उनका जो टेंटेटिव डेट है वो थोड़ा सा जल्दी हो चुका है। यानी कि जो एग्जाम्स यूजुअली मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स, वो इस साल स्टार्ट होने वाले हैं थोड़ा सा जल्दी, फेब के लास्ट वीक के अंदर, यानी कि 21 फेब से आपके जो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो, यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट्स हो चुके हैं। सबसे पहले कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो कि ये डिसीजन को थोड़ा सा वो कर रहे हैं, लाइक थोड़ा सा नेगेटिवली ले रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं डिसीजन से कि हमें टाइम नहीं मिलेगा, हमें कम टाइम क्यों दे रहे हैं, हमारे साथ ज्यादती क्यों हो रही है। वहीं पे सेकंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्हें उतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो सोच रहे हैं कि यार मतलब 10 दिन ही तो है, कोई बात नहीं। तो ये जो डिसीजन है इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? ये जो बोर्ड एग्जाम के डेट्स हैं, टेंटेटिव डेट्स हैं जो कि थोड़े से प्रीपोन्ड हुए हैं, आपको क्या लगता है, आपके क्या थॉट्स हैं? प्लीज कमेंट करके बताना, मैं भी देखूं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है। ऑल्सो गाइस, ये वीडियो बनाने के पीछे एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, बिकॉज मैंने एक चीज नोटिस की है, जो भी स्कूल्स वगैरह हैं, जो भी क्लासेस वगैरह हैं, वो लोग है ना ज्यादातर जो फर्स्ट मार्च वाले जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं उस स्केड्यूल के हिसाब से चलते हैं अपने प्री बोर्ड्स को, या फिर जो उनके टर्म एग्जाम्स वगैरह होते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, वो लोग उस हिसाब से लेते हैं कि फर्स्ट मार्च तक आपके प्रैक्टिकल्स, ओरल्स, प्रीलिम्स, प्री बोर्ड सब कुछ हो जाए। बट ये जो डेट में चेंज आया है उस वजह से जो स्कूल वाले हैं, क्लासेस वाले हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हैं स्केड्यूल को लेके। बट देखो, वो अपना कंसर्न नहीं है, मैं बात करने वाला हूँ 3 ऐसे पॉइंट्स जो कि आप सभी लोगों को, जो भी मुझे क्लास 10 के स्टूडेंट देख रहे हैं, आपको इंडिविजुअल लेवल पे लेने हैं। एंड ये 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है ताकि जो आपके बोर्ड एग्जाम में डेट चेंज हुए हैं उनका आपके प्रिपरेशन पे, आपके रिजल्ट पे कुछ असर ना पड़े। सो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लो। एंड देखो यार, मैं कौन हूँ, मैंने आज से 3 साल पहले क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स दिए थे, एंड लास्ट 2 ईयर से मैं आपके सीनियर्स को गाइड कर रहा हूँ। एंड इस साल भी मेरा टारगेट है आप सभी लोगों को 90% 95% तक स्कोर करवाना। सो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब बटन को दबा के मारते हो, एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन पे सिलेक्ट कर देना ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट रहेगा, प्लीज गाइस बूस्ट योर प्रिपरेशन। तो देखो, अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास 10th को यार थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि यार बहुत टाइम है, हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, बहुत टाइम नहीं है अपने पास, बिकॉज अगर फिफ्थ के अंदर आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होते हैं, आपके जो प्री बोर्ड्स हैं वो आपके दिसंबर एंड में स्टार्ट हो जाएंगे, वहीं पे जैन के मंथ के अंदर आपके प्रैक्टिकल्स, ओरल्स ये सब होने वाले हैं। एंड अगर दिसंबर के अंदर प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, आपको आपका सिलेबस नवंबर तक कोई भी हालत में, लाइक एनी हाउ, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड अगर आप आज से प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्टअप नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा लाइक जो आपकी स्पीड है उसे बढ़ा नहीं रहे हो, लगने वाले हैं आपके, सीरियसली लगने वाले हैं। सो मेक श्योर, डरा नहीं रहा हूँ, बट दिस इज द रियलिटी। तो आपको आज से आपका जो प्रिपरेशन है थोड़ा सा बूस्टअप करो। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे थे, 3 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो, 3 घंटे पढ़ रहे थे, 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो। बट प्लीज गाइज, इंक्रीज योर स्टडिंग आवर्स। एंड बहुत जल्द मैं एक स्पेशल रोड मैप वीडियो लाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आप सभी को बताऊंगा आपको 3 to 4 months के अंदर, यानी कि अगस्त चालू है तो आपको सितंबर से लेकर नवंबर तक 3 months के अंदर आपको पूरा सिलेबस प्रॉपरली कैसे कंप्लीट कर लेना है। सो मेक श्योर आप लोग एक्टिव हो चैनल के साथ। वही पे हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब देखो, मैंने ना बहुत सारे से कमेंट्स देखे, मेरे पास भी कमेंट्स आए जहाँ पे स्पैम किया हुआ था कि महाराष्ट्र बोर्ड वाले अनफेयर कर रहे हैं, या फिर ब्लॉक महाराष्ट्र बोर्ड, बॉयकॉट महाराष्ट्र बोर्ड, यही चल रहा था। बट ट्रस्ट मी, आपके जो वाले कमेंट्स हैं किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता है। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन कमेंटिंग ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स। वहीं पे एक और चीज बोलना चाहूंगा, इस टाइम पे भी और बोर्ड एग्जाम जैसे नजदीक आएंगे, बहुत सारे फेक न्यूज, फेक रूमर्स फैलने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को आपका जो टाइम है वो फेक न्यूज के पीछे वेस्ट नहीं करना है। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको प्रिपरेशन को टाइम नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो माइंड में क्या रखो, देखो एकदम सॉर्ट आउट कर देता हूँ,
चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जो भी जेन्युइन अपडेट रहेगा वो आपको इस चैनल के ऊपर सबसे पहले मिलने वाला है। तो मेक श्योर जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन पे सिलेक्ट कर दो। ऑल्सो गाइज एक काफी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो इन ऑल योर स्कूल क्लासेस ग्रुप्स, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करो एंड उन्हें बोलो कि बॉस देखो अपना जो टाइम है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, इस टाइम पे हमें पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देना है एंड प्लीज कोई भी फालतू गिरी मत करो, फालतू टाइम पास नहीं करना है। वहीं पे गाइस थर्ड पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा लाइक टाइम देता हूँ, इस वीडियो पे एम करते हैं पूरे 300 लाइक्स का। सो मेक श्योर आप लोग लाइक के बटन दबा के मार रहे हो एंड वीडियो को शेयर कर रहे हो अपने सारे क्लास टीम के फ्रेंड्स के साथ। वहीं पे थर्ड पॉइंट आता है आप सभी लोगों को, आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ लिया है यानी कि आज से पहले आपने जितना ही पढ़ा है आपको वो रिविजन वापस करना चालू कर देना है। मतलब आप जो नई चीजें वो तो पढ़ ही रहे हो, साथ के साथ आपने जो ऑलरेडी पढ़ लिया है स्टार्टिंग के चैप्टर्स, इनिशियल चैप्टर्स जो कि आपने अप्रैल में ये मंथ के अंदर पढ़े होंगे, इन्हें आपको वापस पढ़ना स्टार्ट करना है बिकॉज आपको आगे जाकर टाइम नहीं मिलेगा। नवंबर तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, तो अगर आप नई सिलेबस कंप्लीट करते करते पुराने वाले को रिवाइज करते हो आपका अच्छा खासा टाइम सेव होगा एंड आने वाले टाइम में आपके माइंड के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा। एंड स्पेशल नोट में वीडियो बहुत जल्द आने वाली है एंड हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने डिटेल में स्ट्रेटेजी बता दी है आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट करो। एंड यस गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।